दोस्तों ये चित्रकूट की वो जगह है जहाँ पे राम और लक्ष्मण स्नान किया करते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं आप लोगों को चित्रकूट का देने वाला हूँ और आप लोगों को राम लक्ष्मण सीता की वनवास की जो भी जगह है, जो भी स्थल है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और चित्रकूट में जो भी टूरिस्ट प्लेस है, हर जगह घूमने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ में आई हुई है सोनम, हमारी क्यूटी पाई, और मैं। चलिए मेरे साथ घूमिए। इस सुबह का वक्त है, टाइम हो रहा है 9:47, लगभग 10 बजने वाले हैं। और जब मैं कल आया था तो मौसम बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन आज कहीं तक ठीक हो गया मौसम। चित्रकूट आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ से आप लोगों को लेना पड़ेगा राइट साइड, तो बेड़ी पुलिया आया ये वाला चौराया। और आप लोग जब बेड़ी पुलिया आ जाते हैं तो इधर साइड में ये चौराया जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं रोड, इधर साइड में आप लोग जा सकते हैं इलाहाबाद के लिए। और चित्रकूट जाना है तो आप लोग को चित्रकूट के लिए ये वाली रोड मिल जाती है, तो आप लोग चित्रकूट के लिए इधर साइड में जा सकते हैं। और साथ में आप लोगों को ये राम लक्ष्मण सीता की जो प्रतिमा है वो मिल जाती है, तो यहाँ पे आप लोग इनके दर्शन करके फिर आप लोग आगे की तरफ जा सकते हो। तो हम चलेंगे इधर साइड। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को सबसे पहले लेके चलता हूँ राम घाट। दोस्तों आप लोग यहाँ से रास्ते से निकलेंगे तो आप लोग को कुछ इस तरीके से डबल रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे डबल रोड इधर है, डबल रोड उधर है, तो आने जाने के लिए। और रोड पे आप लोग देख सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफी जो है सुनहरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे बजट में आप लोग को यहाँ पे धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो। रामायण मेला, ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगता है रामायण मेला, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल नहीं लगा है। और तुलसी द्वार भी यहाँ पे है, अभी हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। फिर आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोग देखेंगे टोटल आप लोगों को यहाँ पे धर्मशालाएं मिलेंगी। अभी ये देख सकते हैं इधर होटल है श्री जी भवन, तो यहाँ पे भी आप लोग स्टे कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है नजारा मिलेगा ना, वो बीच बीच में पहाड़ों का नजारा मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। देखेंगे यहाँ पे आप लोग लाइटें मिलेंगी यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की तरफ, जो नाइट के टाइम में अगर आप लोग आएंगे इस रोड पे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो लाइटें है ना रात के टाइम पे जब जलती है ना तो असली खूबसूरत यहाँ पे इस रोड की आ जाती है और असली पता चलने लगता है कि आप चित्रकूट में हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से है चित्रकूट के अंदर की रास्ता, और जहाँ पे लगी हुई है बहुत सारी लाइटें रोड पे, जहाँ पे आप लोग नाइट में आएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये टेन नया जो बनाया जा रहा है राम घाट के लिए, इधर से हम चलेंगे। तो अभी गाड़ी तो खैर नहीं जा पाएगी, देखते हैं कुछ। तो दोस्तों ये गेट है, तो आप लोग राम घाट के लिए इसी गेट से जाएंगे। फिलहाल ये गेट नया है तो बनाया जा रहा है, अभी पूरी तरह बन नहीं पाया है। और आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को अगल बगल आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट राइट में बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोग कुछ भी सामान वगैरह खरीद सकते हैं। ये भी क्या है कि बारिश के टाइम पे थोड़ी रास्ता ख़राब हो चुकी है राम घाट के लिए, ये आगे आने वाले समय में बनेगी। और ये देखो किस तरीके से रास्ता है, तो अभी बारिश के टाइम पे आते हैं तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। और आगे है जो आप लोग देख रहे हो ये है राम घाट। वैसे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है राम घाट, और ये जो आप लोग पीछे जो नदी देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है, और यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी में बसा हुआ है राम घाट। तो जहाँ यहाँ पे इस घाट पे राम और लक्ष्मण यहाँ पे स्नान किया करते थे, नहाया करते थे, वो जगह है। ये काफ़ी खूबसूरत पावन जगह है। और अभी क्या है कि बारिश हो गई है, उसकी वजह से थोड़ी सी रास्ता यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग बारिश के टाइम पे आते हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के आना, क्योंकि बारिश में थोड़ी रास्ते ख़राब हो जाते हैं। और आप लोग देख ही रहे हमारे किस तरीके से पैर हो रहे हैं और रास्ते देख सकते हैं इस तरीके से हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के तब आना। और ये जो आप लोग नदी देख रहे हैं टोटल ये मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी नदी में बसा हुआ है ये राम घाट। ये क्या कर रही है बार बार, अभी डूब जाएगी इसमें, इतना गहरा है डूब जाएगी अभी, देखो कैसे कर रही है। चित्रकूट में रामघाट सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी जगह पर श्री राम और लक्ष्मण स्नान किया करते थे, और इसी जगह पर एक मंदिर है, उस जगह पर श्री राम की कुटिया थी, तो वो कुटिया में रहकर तप किया करते थे। जो भी 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे हैं
राम लक्ष्मण सीता, वो उन्होंने अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो इसी जगह मंदाकिनी नदी के किनारे काटा है, और इसी जगह पे राम और लक्ष्मण की सीता की कुटिया है, वो मैं आप लोगों को अभी जगह दिखाऊंगा। फिलहाल वहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। आप रामघाट आते हैं तो रामघाट में आप लोग मंदाकिनी नदी के दर्शन करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे बोटिंग राइड भी कर सकते हैं, जो 50 से 100 रुपए के हिसाब से आप लोगों की बोटिंग राइड हो जाती है। और इसके बाद एक वेदी मंदिर है, तो हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को भारी फूल मिल जाते हैं, तो फूल यहाँ से लेके जाएंगे, प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे और इसके बाद मंदिर चढ़ेंगे। मंदिर की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से चढ़ेंगे, और साथ में आप लोग यहाँ पे बंदर भी मिलेंगे आपको, तो बंदरों का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे बंदर होते हैं और अपना जो सामान मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह लेके जाते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि बंदर यहाँ पे चढ़ा के भाग जाते हैं। दोस्तों ये वो मंदिर है जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता 11 वर्ष रुके थे और यहीं पे उन्होंने तप किया था, तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और 774 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये है, आप लोग देख रहे हो, अभी अंदर जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से कर सकते हो। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जब आप लोग मंदिर पे आप लोग ऊपर आएंगे तो इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, और ये वो मंदिर है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो इधर से आप लोग देखेंगे और चारों तरफ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे मकान वगैरह, और इधर साइड में दूर दूर तक आप लोग देखेंगे ये मिलेंगी घाटी पहाड़ी, जो आप लोग देख रहे हो काफ़ी हरियाली है, और अभी हो सकता है मैं आप लोगों को उधर साइड में भी लेके चलूँ, तो ये देख सकते हैं दूर दूर तक कितना ज़्यादा प्यारा नज़ारा है, और बादलों का भी नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ों में, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये देखो क्यूटी पाई, पता चला यहाँ पे रहे थे राम सीता लक्ष्मण जी, हाँ 11 वर्ष इसी जगह पे रहे थे, वनवास लिया था ना, जंगल था। हाँ तो ये मंदिर है अभी आप लोग जो देख रहे हो। ये क्या है भाई? ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? हैं? ये पूजा कर रहे हैं भाई, ये देखो डॉगी। तो दोस्तों पूर्णकुटी मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो मिलेगा प्राचीन सिद्ध पीठ तुलसी गुफा, तो आप लोग इस मंदिर में भी दर्शन करने ज़रूर जाइए, जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं तो तुलसी पीठ गुफा में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं। ठीक सामने मिलेगा आप लोगों को भरत मंदिर, तो आप लोगों को भरत मंदिर में भी दर्शन करने जाना है तो यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर सकते हो।